अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई टेक ऑनलाइन। दोस्तों जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो है एम्प टू वाट्स, हम एम्पियर को वाट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले डीसी लोड, टाइप्स ऑफ लोड डिस्कस कर लेते हैं कि एक होता है डायरेक्ट लोड यानी जिसे हम डीसी करंट कहते हैं, और बाकी होता है एसी लोड, अल्टरनेटिंग करंट, और उसमें सिंगल फेज भी होता है और थ्री फेज भी होता है। तो उन दोनों में फार्मूला चेंज होते हैं। तो आप नीचे साइन भी देख सकते हैं कि डीसी की साइन जो है वो एक ही यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ जो है वो करंट फ्लो करता है, बाकी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो नीचे से ऊपर, मतलब पॉजिटिव में अगर ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो पॉजिटिव में भी जाता है और फिर नीचे नेगेटिव में भी आता है। तो अब देखते हैं कि जो डीसी का फार्मूला है उस हिसाब से, फार्मूला फॉर डीसी लोड, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी यानी पावर वोल्टेज इंटू करंट। टू फाइंड एनी टू थिंग वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ एनी टू। तो यहाँ पे V जो है वो 12 वोल्ट है बैटरी का, डीसी है, और एम्पियर एक है, और फाइंड P, एम्पियर यहाँ पे मैंने शो नहीं किया लेकिन एम्पियर 1 एम्पियर अगर है तो अगर पुट करेंगे फार्मूला में तो V इंटू आई यानी 12 इंटू 1 12 वाट्स, पावर हमेशा वाट्स में होता है, तो P इज इक्वल टू 12 वाट्स। अब हम इसको देखते हैं कि सिंगल फेज एसी में इसका फार्मूला जो है वो है P इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस थीटा या कॉस फाई। अब कॉस फाई जो है ये है पावर फैक्टर, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लियरिटी के साथ बताऊंगा कि पावर फैक्टर क्या है। तो वो पावर फैक्टर जो हम नॉर्मली अजम्पशन करते हैं वो होता है 0.8 से 0.9 तक। तो इस फार्मूला में V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, एम्पियर 1 है, और कॉस फाई यानी पावर फैक्टर जो है वो 0.8 है। अगर उसको फार्मूला में पुट करेंगे तो 176 वाट होता है। अब है थ्री फेज लोड, फॉर थ्री फेज। अब थ्री फेज में जो है वो अंडर रूट 3 होता है, ये हम इसकी जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं अंडर रूट 3। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि अंडर रूट 3 हम क्यों लेते हैं। उसके अलावा इनटू वोल्टेज इनटू एम्पियर आए इनटू कॉस थीटा, पावर फैक्टर इसमें भी आएगा। तो अगर थ्री फेज वोल्टेज है तो वो 415 वोल्ट हम ले लेते हैं डेटा के अंदर, और एक एम्पियर है, और कॉस थीटा यानी वो 0.8 है पावर फैक्टर, और अंडर रूट 3 की वैल्यू जो होती है वो पाई की वैल्यू होती है 1.73। तो जो फार्मूला में पुट करेंगे टू 1.73 हमारी पाई की वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यू, 415 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 0.8 ये होते हैं अप्रॉक्स 574.36, और इसको अगर हम राउंड में करेंगे तो ये हो जाएंगे 575 वाट्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये अब काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि हम जो है वो एम्प से, एम्पियर से वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पी जो होता है वो पावर होता है, उसका यूनिट होता है वाट, आई एम्पियर, और वी वोल्टेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो पावर फैक्टर पे बनाऊंगा कि पावर फैक्टर आकर क्या चीज़ है और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं पावर फैक्टर पे बनाऊंगा, और ये अंडर रूट 3 कहाँ से आया इस पर भी बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने भाई, अपने दोस्त इंजीनियर स्पाइल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।